सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल वीडियो। सो गाइस, आज हम करेंगे ये वाली नॉर्मल फोटो को मैनिपुलेट, जो कि काफी एडवेंचर एंड अमेजिंग लग रही है। सो आप यहाँ देख सकते हो। सो अगर आप भी इस तरह की मैनिपुलेटेड करना चाहते हो गाइस, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और ये वाली एडिटिंग बहुत ही ईजी है, बस आपको इतना मेहनत लगेगा कि आप इसमें कैसे अपना फोटो को बैकग्राउंड से मैच करोगे, वो थोड़ी सी मेहनत लगेगी। बाकी बहुत ही ईजी है ये वाली स्टेप्स, बस आपको इसमें वीडियो को एंड तक देखना है। सो वीडियो शुरू करने से लेगा इस, आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा गया तो जल्दी से फॉलो कर लेना, ताकि आपको नए नए पोस्ट देखने को मिले। एंड आप कमेंट करके बोल सकते हो कि भाई ये वाली ट्यूटोरियल वीडियो हमें देखना है, तो उसके नेक्स्ट दिन आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, आज के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट ऐप को ओपन करके ये वाली बैकग्राउंड को ऐड कर लेनी है, जो कि काफी अमेजिंग हमारी बैकग्राउंड लग रही है। तो यहाँ इस तरह से बैकग्राउंड को ऐड करेंगे एंड इसमें सिंपली आपको यहाँ ऐड फोटो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसे प्रेस करेंगे एंड अपने एक मॉडल फोटो को ऐड कर लेंगे। तो मेरी एक मॉडल पीएनजी है, मतलब मैं पहले से बैकग्राउंड को इरेज कर रखा था। अगर आपको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता गाइस, तो ये वाली वीडियो को देख लेना। इस वाली वीडियो पे आपको मैं डिटेल से बताऊँ कि कैसे बैकग्राउंड इरेज कर सकते हो, वो भी HD में। तो वाली वीडियो को जरूर देखना। तो अपना मॉडल फोटो को इस तरह से सेट करेंगे एंड सेट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ अपना बैकग्राउंड से मैच कराना है। तो मेरी जो फोटो है, मतलब PNG है, वो बैकग्राउंड से मैच है, मतलब लाइटिंग वगैरह ठीक है। बट आपको इफेक्ट्स पे आना होगा एंड यहाँ कलर्स पे आ जाएंगे और ब्राइटनेस को आप यहाँ कम ज़्यादा करिए, मतलब बैकग्राउंड से एडजस्ट कर सकते हो, बट मुझे नहीं करना पड़ेगा। यहाँ इरेजर करके यहाँ एडजस्ट कर सकते हो, बट ये सब मुझे नहीं करना पड़ेगा। तो अब सिंपली मैं यहाँ कॉन्ट्रास्ट वाली ऑप्शन पे आ जाऊँगा। सो यहाँ आने के बाद आपको सिंपली यहाँ एडजस्ट कर लेनी है। देन आपको इरेजर को प्रेस करके ये आइकन को प्रेस करेंगे एंड ब्रश की सेटिंग को पहले चेंज कर लेंगे। सो अच्छे से चेंज कर लेना एंड अपने मतलब लेग्स पे जूम करेंगे, मतलब शूज पे जूम करेंगे एंड इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके यहाँ डार्क करेंगे। तो बिल्कुल नीचे पे आपको इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है, मतलब पेंट कर लेनी है और आपको सिंपली इसे डन कर देना है। डन करने के बाद सिंपली ऐड फोटो को प्रेस करेंगे एंड ये लाइट वाली पीएनजी को ऐड करेंगे। तो आप पहले मैं इसे छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद लेफ्ट साइड पे इस तरह से यहाँ पे सेट करेंगे। सो यहाँ पे इस तरह से सेट करना है। ब्लेंड पे आगे स्क्रीन मोड करेंगे, देन आपको इरेजर को प्रेस करके ये वाले आइकन को प्रेस करना है एंड ब्रश की सेटिंग को पहले चेंज कर लेनी है। एंड चेंज करने के बाद सिंपली जूम करूँगा सबसे पहले एंड यहाँ जूम इन करने के बाद यहाँ मैं थोड़ा सा ड्रॉ करूँगा। तो पहले मैं ब्रश की सेटिंग को अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ, ताकि प्रॉपर अच्छे से यहाँ पे ड्रॉ कर सकूँ। तो फटाफट से मैं यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ करूँगा। बिल्कुल आपको इस तरह से फटाफट से ड्रॉ कर लेनी है, मतलब पेंट कर लेनी है। सो पेंट करने के बाद सिंपली इरेजर को प्रेस करेंगे एंड इरेजर को प्रेस करने के बाद आपको पहले इरेजर की सेटिंग को चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह से चेंज करके आपको मॉडल के बाहर वाली जहाँ पे पेंट हुई है, मतलब बैकग्राउंड पे भी पेंट हो गई है, उसे इरेज करेंगे। तो फटाफट से मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। सो वैली इरेज करने के बाद आपको अगेन इरेजर की सेटिंग को चेंज कर लेनी है एंड आपको मॉडल के अंदर इस तरह से इरेज करनी है। तो बराबर से सेटिंग को पहले कर लेना, मेरी तरह कॉपी कर लेना, तब जाके आप इस तरह से इरेज कर सकते हो। एंड आप यहाँ देख सकते हो हमारी फोटो काफ़ी अमेजिंग लग रही है, मतलब लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है जैसे लग रही है। तो ऐसे ही आपको अगेन ऐड फोटो को प्रेस करके राइट साइड के लिए ऐड करना पड़ेगा। तो सेम प्रोसेस है, कुछ ज़्यादा मतलब अलग नहीं करना है। ब्लेंड पे आगे स्क्रीन मोड करेंगे एंड इरेजर को प्रेस करके ये वाले आइकन को प्रेस करेंगे, मतलब इन्वर्ट वाली ऑप्शन को, एंड ब्रश की सेटिंग को पहले चेंज करेंगे एंड इस तरह से फटाफट से ड्रॉ करेंगे। और इसके बाद इरेजर को प्रेस करके पहले मॉडल के बाहर वाले हिस्से को इरेज करेंगे, मतलब कलर्स को इरेज करेंगे जहाँ पेंट हुई है। एंड अगेन इरेजर को प्रेस करके सेटिंग को चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद आपको मॉडल के अंदर इरेज करनी है। तो सेम प्रोसेस थी, तो इस तरह से आप कर सकते हो एंड इसे कर देंगे हम डन। हमारी फोटो बहुत ही बेहतरीन लग रही है, आप यहाँ देख सकते हो लाइटिंग वगैरह। एंड अगेन एड फोटो को प्रेस करेंगे एंड अब मैं एक स्वॉर्ड वाली पेंज को ऐड करूँगा, मतलब एक तलवार वाली पेंज को ऐड करूँगा एंड इस तरह से यहाँ पे सेट करूँगा। तो यहाँ से प्रॉपर आपको यहाँ एडजस्ट कर लेनी है, जैसे आप कर सकते हो छोटा बड़ा करके। एंड आपको अगेन एड फोटो को प्रेस करके एक स्पार्कर वाली पेंज को ऐड करना है। तो इस तरह से आपको यहाँ सेट करके ब्लेंड पे आके स्क्रीन मोड कर देनी है,
जिससे ऑटोमेटिकली सैड हो जाएगी। आप इरेजर को प्रेस करके थोड़ा सा एडजस्ट मतलब इरेज कर सकते हो एंड इसे कर देंगे हम डन। एंड डन करने के बाद गए सिंपली आपको यहाँ टूल्स पे आना है, टूल्स पे आने के बाद एडजस्ट पे आ जाएंगे, यहाँ ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, देन इरेजर को प्रेस करके इनवर्ट वाले ऑप्शन को प्रेस करेंगे और आपको जूम कर लेना है सबसे पहले अपने हैंड पे। तो हैंड पे जूम करने के बाद सिंपली मैं ब्रश की सेटिंग को पहले चेंज कर लेता हूँ, तो इस तरह से आपको भी चेंज कर लेनी है। एंड चेंज करने के बाद यहाँ आपको इस तरह से लाइनिंग मतलब लाइट देना है अपने फोटो पे, अपने स्क्रीन पे, जैसे कि मैं यहाँ पास दे रहा हूँ। तो ये वाली जो मतलब इफेक्ट है वो काफ़ी अमेजिंग लगती है, बहुत लोगों को पसंद है, प्रॉपरली मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। इस तरह से लाइटिंग वाली इफेक्ट काफ़ी अमेजिंग लगती है। तो उसी तरह आपको अपने जीन्स पे भी कर सकते हो एंड अपने शर्ट पे भी लाइटिंग दे सकते हो, इस तरह से काफ़ी अमेजिंग लगती है। सो अब मैं इसे कर दूंगा डन। एंड डन करने के बाद ड्रा वाली ऑप्शन को ओपन करेंगे एंड इस वाले ऑप्शन पे आके सेम इमेज को प्रेस करेंगे जिससे हमारी फोटो हो जाएगी सेव। देन ओपन करेंगे लाइट रूम ऐप को एंड सिंपली आपको इसमें लाइट वगैरह को करेक्शन कर लेना है। तो इसमें मैंने अपने फोटो को ऐड कर लिया है एंड इसमें सबसे पहले कलर्स वाले ऑप्शन पे आके टाइम को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, देन सैचुरेशन को भी थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे एंड मिक्स टाइप को ओपन करेंगे। तो इसमें भी सैचुरेशन को इंक्रीज करके लुमिनस को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे एंड ऑरेंज कलर पे आके सैचुरेशन को इंक्रीज करेंगे एंड लुमिनस को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। देन ब्लू कलर पे आके भी चेक कर लेते हैं इसे कम ज़्यादा करके और येलो कलर पे भी चेक कर लेते हैं। हमारी फोटो काफ़ी अमेजिंग लग रही है अब एंड इसे डन कर देंगे और इतना कर लेने के बाद उसके नीचे वाले ऑप्शन मतलब इस वाले ऑप्शन पे आके क्लैरिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे एंड विग्नेट को थोड़ा सा माइनस कर सकते हो चाहो तो या फिर रहने देते हैं। एंड उसके बाद लाइट वाले ऑप्शन पे आके यहाँ एक्सपोजर को थोड़ा सा माइनस करूँगा, देन हाईलाइट को इंक्रीज करेंगे, शैडोज को भी इंक्रीज करेंगे, देन वाइट को भी थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे एंड ब्लैक्स को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। तो हमारी फोटो काफ़ी अमेजिंग लग रही है बिफोर एंड आफ्टर में देख सकते हो यहाँ। और शेयर वाले आइकन को प्रेस करके सिंपली एक्सपोर्ट को प्रेस करके इसे डन कर देना हाई सेटिंग पे करके, जिससे हमारी फोटो हो जाएगी सेव।